हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम दो तरह के मार्क्स बनाना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने पेपर को लिया है। पेपर पर हम पहले कटिंग करेंगे, तो इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर हम लंबाई में 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड में भी हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से 5-5 इंच पर हमें निशान लगाना है गोलाई में। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से निशान को मिला देंगे और कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। पेपर हमारा गोलाई में कटिंग हुआ है। अब हम इसको फिर से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड में भी हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे से दोनों तरफ से 1-1 इंच पर निशान लगाना है। और नीचे से हम इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है। इस साइड में भी हम दोनों निशान को इस तरह से मिलाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपको निशान लगाने हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पेपर की कटिंग कर ली है, 4 पीस हमारी कटिंग हुए हैं। तो इसी तरीके से हमें कपड़े पर कटिंग कर लेना है। तो चलिए पहले कपड़े पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा सूती है, कॉटन का ब्लाउज का बचा हुआ है। तो इसी से हम बनाएंगे। तो इसको हम 4 फोल्ड में इस तरह से रख लेंगे और हमें एक पीस को लेना है और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और सेम निशान लगा देना है इस तरह से। पेपर के नाप से ही हम इस तरह से निशान लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। तो जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो यहीं से हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमारे 4 पीस कटिंग हुए हैं इस तरह से। तो अब हम दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और यहाँ पर हमें गोलाई में 2 पॉइंट पर निशान लगाना है। इसमें भी हम 2 पॉइंट पर निशान लगा लेंगे। और जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान पर हमें सिलाई लगानी है दोनों पीस में। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों पीस में इस तरह से कट लगा लेंगे और कट हमें इस तरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। तो यहाँ पर हमने कट लगा दिया है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से सीधा रखेंगे और यहाँ पर हमारा जो दूसरा वाला पीस है इसकी सीधी साइड हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे और दोनों को इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे बिल्कुल एक बराबर। फिर हम यहाँ पर 2 पॉइंट पर इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से लगा देना है और ऊपर की साइड भी हम 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और नीचे से भी हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। और जो हमारी बीच वाली सिलाई है तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से फैला के ही सिलाई को लगाना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कट लगा लेंगे और कट हमें इस तरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे, ठीक है।
तो इस तरह से हमने कट लगा दिए हैं दोनों तरफ से। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सीधा कर लिया है और इस तरह से हमारा जो मार्क्स है वो सिलकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हम आधा इंच कपड़े को अंदर की तरफ कर देंगे, देखिए इस तरह से, और इस साइड में भी हम आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड कर देंगे। और फिर इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो इलास्टिक लिए हैं और यहाँ पर जो इलास्टिक है इसकी लंबाई हमने रखी है 8 इंच। अब हम इस इलास्टिक को इसके अंदर रख डालेंगे इस तरह से, आधा इंच हमें डाल लेनी है और सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम इस साइड में भी आधा इंच इलास्टिक को अंदर की तरफ डालेंगे, दोनों तरफ से आधा आधा इंच, और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को भी लगा लिया है और यहाँ पर जो हमारा मार्क्स है वो देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। देखिए दोनों तरफ से हमारी सिलाई भी नहीं दिख रही है और देखिए कितना सफाई से हमारा मार्क्स बना है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा मार्क्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़ा लिया है, चौकोर कपड़ा हमने लिया है, इसकी लंबाई हमने रखी है 11 इंच और चौड़ाई में भी हमारा 11 इंच है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और इस साइड में इसको रख देंगे तिरछे में, और यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इस साइड में इसको इस तरह से रख लेंगे। यहाँ पर हमारी जो लंबाई है वो 5.5 इंच आ रही है, तो 5.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से मार्क्स बनाया है। तो इस साइड में भी हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड में भी हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम क्या करेंगे, तीनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जो हमारी नुक है यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। और यहाँ पर जो हमारी बंद साइट है उस साइट से हम निशान नहीं लगाएंगे, जहाँ पर हमारी ओपन साइट है वहाँ से 1.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से गुलाई में शेप देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर लिया है, इसको एक बराबर रखेंगे और ऊपर की तरफ जो हमारी गुलाई है वहां पर 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह से। और निशान लगाने के बाद हमें गुलाई में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को भी लगा लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे और कट हमें इस तरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा दिया है, अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, अच्छे से इसको बिल्कुल एक बराबर रख लेना है। और जो हमारी बीच वाली सिलाई है तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से फैला के ही सिलाई को लगाएंगे, देखिए आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से आपको भी सिलाई लगानी है, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए पहले हम सिलाई लगा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कट लगा दिया है, अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से सीधा कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने सीधा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इस पर प्रेस लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रेस को लगा दिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारी ओपन साइड है उसमें हम आधा इंच अंदर की तरफ कपड़े को करेंगे दोनों तरफ से, और प्रेस लगा देनी है। इस साइड में भी हम आधा इंच कपड़े को अंदर की तरफ करेंगे और प्रेस लगा लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पट्टी ली हैं और यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई हमने 1 इंच रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी को भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है, और यहाँ पर हमने जो पट्टी की लंबाई है वो हमने रखी है 7.5 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह से रखेंगे बिल्कुल किनारे पर, और इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी आधा इंच पट्टी को अंदर की तरफ करेंगे दोनों तरफ से आधा इंच, और फिर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे मार्क्स सिलकर तैयार हो गए हैं। मैंने दो तरह के मार्क्स बनाना आप लोगों को दिखाए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।